हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माउंटेन वेजिटेशन. दे ऑक्यूपाई द लेंथ ऑफ द हिमालयाज बिटवीन द पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. यहाँ पे ये हिमालय की लंबाई में सबसे ज़्यादा पाइन और सब अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, जो कि कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में और सिक्किम में पाए जाते हैं. दे ऑल्सो अकर इन लद्दाख, लाहुल, चांबा, बशाहर, गढ़वाल एट्सेट्रा. ये लद्दाख, लाहुल, चांबा, बशाहर, गढ़वाल एट्सेट्रा इन जगह पे पाए जाते हैं. जो वेजिटेशन चेंजेस होते हैं वो एल्टीट्यूड के साथ होते हैं. सी लेवल से ये कम से कम 1800 मीटर तक डेसीडियस हार्डवुड ट्रीज है, जैसे कि साल यहाँ पर पाया जाता है. लेकिन 300 मीटर की हाइट तक सीडार और डिओडर ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं और कॉनिफर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं. सॉफ्टवुड ट्रीज जैसे कि पाइन, बिर्ज, ये 4500 मीटर की हाइट पे होते हैं और इसके आगे शायद वेजिटेशन यहाँ पे अल्पाइन मीडोज के अलावा कहीं पे भी नहीं होता है. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. The main ways in which the forest conserve undertaken are ऐसे रास्ते जहाँ पे forest conservation होता है. It is better for the forest to regenerate on their own so that only those trees should be removed from forest which are found weak or diseased. सिर्फ वही forest यहाँ पे regenerate होते हैं जिनके खुद के कुछ पेड़ होते हैं और वो अपने पेड़ को खुद ही रिमूव कर देते हैं. ऐसे पेड़ जो बीमार हो जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसमें कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं, ये फॉरेस्ट उन पेड़ को अपने आप से रिमूव कर देते हैं और फिर यहाँ पे नए पेड़ जो है वो पार्ट ले लेते हैं. अगला, द वेस्टेज शुड बी यूज फॉर मेकिंग पेपर इन ग्रेटर क्वान्टिटीज. यहाँ पे जो वेस्टेज है उसमें पेपर बनाने के लिए उनको ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ किया जाता है. दिस विल ऑन वन हैंड रिड्यूसेस वेस्टेज एंड ऑन द अदर है सेव टाइम ट्री. ये जो है एक हद तक तो वेस्टेज को कम कर देते हैं और दूसरा ट्री को काटने से बचा देते हैं, क्योंकि हम जो वेस्टेज ट्रीज होते हैं उन्हीं से हम क्या बना लेते हैं, पेपर. गवर्नमेंट हैव कम आउट विद इफेक्टिव स्कीम्स एंड लॉज ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन. जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके की स्कीम्स से बाहर आई है और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है. दे हैव टू अपॉइंट थाउजेंड्स ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स एंड ऑफिसर्स टू रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट. इन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट गार्ड्स को अपॉइंट किया है, हज़ारों फॉरेस्ट गार्ड्स और ऑफिसर्स को, जिससे कि फॉरेस्ट का शोषण होने से रोका जा सके. द अफॉरेस्टेशन हेल्प्स इन प्लांटिंग दोज ट्रीज विच ग्रो क्विकली एंड यील्ड गुड वराइटीज ऑफ टिम्बर. जो अफॉरेस्टेशन है वो उन पेड़ों को प्लांट कर रहा है जहाँ पे क्विकली टिम्बर की वराइटी को ग्रो किया जा रहा है और अच्छी वराइटी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट इज द स्कीम ऑफ रिजोर्टेशन रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट विच मेन हैज़ डिस्ट्रॉयड. सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट एक ऐसा स्कीम है जो जंगलों को रिस्टोर करता है और डिस्ट्रॉय जिसको लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है. अंडर दिस स्कीम 2 सेपलिंग्स आर प्लांटेड फॉर एवरी फेल्ड ट्री. यहाँ इस स्कीम में दो, अगर आपने एक भी पेड़ बिगाड़ा है तो उसके लिए आपको 2 पौधे लगाने होते हैं. द पीपल लिविंग नियर फॉरेस्ट आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर फायरवुड एंड अदर नीड्स. ऐसे लोग जो जंगलों के आसपास रहते हैं वो जंगलों पे ही डिपेंड रहते हैं लकड़ियों के लिए और दूसरी ज़रूरतों के लिए. दे कॉज मच डैमेज टू द फॉरेस्ट और वो जंगलों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं. दे हैव बीन इंकरेज टू प्लांट देम ऑन देयर ओन लैंड्स. इनको इंकरेज किया जाता है कि अपनी ज़मीन पर ही पौधों को लगाएं. वाइल्ड लाइफ जनरली इंक्लूड्स लार्ज एनिमल्स रोमिंग अबाउट इन जंगल्स और इनहेबिटिंग वाटर्स. वाइल्ड लाइफ जनरली वो लोग इंक्लूड होते हैं वाइल्ड लाइफ में जो बड़े बड़े जानवर होते हैं जो जंगल्स में घूमते रहते हैं और पानी पीते रहते हैं. हाउ एवर वाइल्ड लाइफ इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिजम्स
वाइल्ड लाइफ में उस सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि नेचुरल है, प्रकृति के साथ रहते हैं और ह्यूमन कंट्रोल से बाहर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, द वाइल्ड लाइफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट दैट द नेचुरल हैबिटेट्स अलाउ ऑल द एसेंशियल लाइफ सपोर्ट टू फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्टिंग इन इट। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाइल्ड लाइफ का, वो नेचुरल हैबिटेट्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें आप लोग फ्लोरा और फौना, मतलब जो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स और जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको सपोर्ट करते हो। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग रीजन में वाइल्ड लाइफ कैसा होता है। सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट अफ्रीका। अफ्रीका हैज़ ऑलवेज बीन मिस्टीरियस फॉर इट्स वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। अफ्रीका जो है, इसकी वाइल्ड लाइफ की वैरायटी के लिए हमेशा से ही मिस्टीरियस रहा है। यहाँ पे ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी है, जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट्स, डियर्स, जेब्रास, जिराफ्स एंड राइनोस। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सावाना ग्रासलैंड में। और इसके अलावा यहाँ पे अफ्रीका में हिप्पोपोटेमस भी है, पाइथन्स भी है, क्रोकोडाइल्स भी है बड़े, और डेंजरस इंसेक्ट है जिसको हम बोलते हैं सेक्सी फ्लाई, ठीक है। यूरोप, नेक्स्ट वन इज़ यूरोप। यूरोप में भी अच्छे खासे जूज हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पोलर बियर्स भी यहीं पे पाए जाते हैं, यहीं के जू में। दूसरे वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि बॉर्स, वोल्स, सेग्स, वाइल्ड शिप, मस्क, ओक्स, शामोइस, बिशोन, वो सब यहीं पे पाए जाते हैं। डक्स, लार्क्स, स्काईलार्क्स और नाइटेंगल्स, ये भी यहीं पे पाए जाते हैं, लेकिन ये सब बर्ड्स के फॉर्म में, और ऊपर जो भी पढ़ा था वो सब एनिमल्स के फॉर्म में है। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। ये वाइल्ड लाइफ के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत गहरे जंगल यहाँ पे है, और जंगल भी एक ऐसा अबंडेंट पार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे मार्शी लैंड्स है, जहाँ पे एनाकोंडाज लेते हैं, एलिगेटर्स जिनको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल्स, और बड़े बड़े टर्टल्स यहाँ पे होते हैं, मंकी, प्यूमा, जगुआर्स, ये सब यहाँ के कॉमन स्पेसीज हैं, कॉमन वैरायटी है जो कि साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट में पाई जाती है। अगला है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बहुत ठंडा क्लाइमेट है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट में। यहाँ पे पोलर बियर, आर्कटिक बॉक्स, रेंडियर, मस्क, ब्लू फॉक्स, ये सब पाए जाते हैं टाइगा में और तुंद्रा रीजन में। यहाँ पे घास खाने वाले खरगोश भी है, हेयर्स भी है, हेडेगॉग्स भी है, ये सब प्रेरीज में पाए जाते हैं। पाइन फॉरेस्ट में एल्क, कैरिबाउ और मूस पाया जाता है। ओके, अब है एशिया। एशिया में हर तरीके का वाइल्ड लाइफ है। माउंटेन रीजन में एलिफेंट, स्माबार्स, स्वाम्प डियर, चीताल, ओक डियर, बाकिंग डियर, पॉर्क्यूपाइन, चीरू, रेड पांडा और रोडेंट्स, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। आइलैंड एरिया में रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा है, मरीन एनिमल्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि क्रेब ईटिंग मैको, व्हेल, डॉल्फिन, सी ईगल। जो डेजर्ट्स है वहाँ पे वाइल्ड एस, ब्लैक बक, डेजर्ट किट, कैमल्स, रेड फॉक्स, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, बर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे कि तुर्की और बस्टार्ड्स, ये सब एशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत यूनिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फाइटलेस बर्ड, ईमू, टेडी कोआला बियर्स, किंगफिशर्स, लायरी बर्ड्स, प्लेटिप्स, यहाँ पे ऑस्ट्रिच भी पाए जाते हैं, जो कि नेशनल बर्ड है यहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, और ये फ्लाइटलेस बर्ड है। जो ग्रेट कंगारू है वो यहाँ का नेशनल एनिमल है, और पैरट्स और पीजन्स में भी अलग अलग वैराइटीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज हिमालय रीजन। हिमालय रीजन में याक और ब्लू शिप बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नयार, हार्मफुल, ब्यूटीफुल कश्मीर डियर, कस्तूरा द मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक डियर, सोलू, सिक्किम मिस्टेक, वेस्टर्न पार्ट्स में पाए जाते हैं। जो हिमालयन फुटहिल्स है यहाँ पे एलिफेंट्स, टाइगर, चीता, गोल्डन लंगूर, स्वाम्प डियर, होक डियर सब पाया जाता है। सो ये तो हमने एरिया वाइज पढ़ लिया कहाँ पे कौन सा एनिमल पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।